दोस्तों मैं चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ था और कार किस कार पे आया हूँ। देख लीजिए ये हमारा मशीन है, तो यहाँ पे जब मैं आया ना तो चेक किया तो पावर सप्लाई नहीं है और पूरा मशीन हमारा बंद है। तो फिर हमने चेक किया तो देखा कि अपना यहाँ पे जो मेन पावर सप्लाई का बोर्ड है, देख सकते हैं आप, ट्रिप हो गया था। अब ट्रिप क्यों हुआ था वो चेक करने के लिए हमने क्या, कभी भी पावर अगर ट्रिप है तो पहले एक बार चेक कर लीजिए नॉर्मली मशीन को, उसके बाद से पावर ऑन कीजिए, नहीं तो क्या होता है ना आग भी लग जाएगा, फायर हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ और प्रॉब्लम हो जाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए कभी भी उससे इससे बचने के लिए आप आओ फटाफट ना तो नॉर्मली चेक कर लो। और कैसे फटाफट चेक करते हैं आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। दोस्तों ये हम क्या करेंगे, अपना मीटर लेंगे और मीटर को हम क्या करेंगे कंट्री पे रखेंगे। और सबसे पहले फटाफट जैसे हमने पावर हमारा ट्रिप है तो पावर ट्रिप है तो इसको देखिए एक 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 जो है कि यहाँ पे लगाएंगे, किसी पर भी हम लगा देंगे। एक मतलब ये हमारा कंप्रेसर है, तीन कंप्रेसर हो गया, तीन हमारा आउटडोर यूनिट हो गया। दोस्तों आउटडोर फैन है ये, तीन हमारा जो है कि आउटडोर फैन है। तो अब सबसे पहले हमको नॉर्मली चेक करना है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास 7 कंडक्टर है। तो देखिए इस साइड हमारा पावर इन हो रहा है, ये हमारा कंप्रेसर को जा रहा है, तो ये डायरेक्ट हमारा ओवरलोड से कंप्रेसर यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे नहीं चेक करेंगे, यहाँ पे हम अपना लगाएंगे और डायरेक्ट बॉडी को टच करेंगे। देखिए बॉडी से हमारा नहीं बता रहा है, ऐसे हम तीनों पे चेक कर लेंगे, फिर अपना करते जाएंगे, तीनों पे चेक कर लेंगे, अपना चेक करते जाएंगे अपना। अगर तीनों पे नहीं चेक करना और जल्दीबाजी है तो एक एक पे चेक करो, बस बस एक एक पे चेक करते चले जाओ। देखिए हमारा कहीं भी नहीं बता रहा है, इधर भी हम चेक कर लेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी नहीं बता रहा है। चाहे आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, कहीं से भी चेक करो, चाहे यहाँ से चेक करो या चाहे यहाँ से चेक करो, बात बराबर होता है। लेकिन कंडक्टर के इस तरफ से नहीं चेक करो, जहाँ से पावर सप्लाई इन होता है वहाँ से नहीं चेक करना है। पावर सप्लाई नहीं है फिर भी उधर चेक करने का जरूरत नहीं रहता है। हाँ तो देख लीजिए हमने चेक किया ना तो क्या पाया, यहाँ पे हमारा कंट्रोली दिखा रहा था, तो देखिए यहाँ पे कंट्रोली दिखा रहा था ना हमारा, तो यहाँ से हमने मोटर का वायर खोल के मोटर को निकाल लिया है बाहर। और मोटर देखिए पाया कि मोटर हमारा कंट्रोली दिखा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग मोटर को निकाल लिए दोस्तों। और हमारा मोटर अभी लेके जाएंगे और वाइंडिंग करवाएंगे, उसको लाके फिर लगाएंगे। हाय फ्रेंड्स, ये आप लोग देख सकते हैं ये जो है मोटर डिफेक्टिव हो गया था और ये जो है अभी हम लोग लगाने के लिए लेके आए हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, पहला नंबर तो इसको यहाँ पे दो नट बोल्ट है, दो नट बोल्ट हम लोगों ने जो दो नट बोल्ट जो है ना लूज कर लिया, ये और ये लूज कर लिया और इसको अंदर बिठा दिया, ये अंदर बिठा दिया ना। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये दोनों नट बोल्ट को पहले टाइट कर लेंगे अच्छा से, दोनों नट बोल्ट अच्छा से टाइट कर लेंगे। जब ये हम लोग टाइट कर लिए उसके बाद से अपना हो गया ये वायर। ये मोटर जो है हमारा 3 फेस का है, 2 HP का है। तो देखो ये हो गया रेड वायर, रेड ब्लैक ग्रीन है, तो इसमें फेस 1 फेस 2 फेस 3 3 फेस है, इसमें फेस 1 फेस 2 फेस 3 3 फेस हो गया आपका। तो ये हम लोग अभी 3 फेस कनेक्शन करेंगे, लेकिन यहाँ से क्या करेंगे, अभी इधर देख रहे हो इधर, इसमें हम इसको घुसाएंगे ऐसे, घुसा के उधर घुसा दिए, फिर घुसाना तो है ही है किसी भी तरीके से हमको, ये देखिए घुसा देते हैं अभी, घुस गया उधर, फंस गया है, तो इधर निकल गया। देख लो दोस्तों वायर जो है ना इधर निकल गया, इसमें लगा देंगे वायर को हम लोग, इसमें वायर को कसना है हमको, इस वाले में वायर को कस देंगे तो हो जाएगा। तो हमने अभी मोटर की वायरिंग वगैरह सब कंप्लीट कर दी है, मोटर वगैरह टाइट सब अच्छे से कर दिया है। अब इसका हम जो रोटेशन चेक कर रहे हैं, रोटेशन हमारा अभी अच्छा है, हवा ऊपर की तरफ फेंक रहा है और अच्छा मोटर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आप फ्रेंड्स हमने क्या क्या अभी मोटर की वायरिंग वगैरह कर दी है देख लीजिए, हमने वायरिंग कर दिया है और अभी पूरा हमारा कंप्रेसर और मोटर वगैरह सब चल रहा है। और एम्पियर हमने चेक कर दिया था, आप लोगों को बता देता हूँ 3 एम्पियर ले रहा है, 2 HP का मोटर है तो नॉर्मल है अपना, और हर चीज़ ओके है, अभी गैस प्रेशर भी ओके चल रहा है, मशीन ओके। दोस्तों बाय बाय।